नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लोपिटेक्स A75 कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, क्लोपिटेक्स A75 कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और क्लोपिटेक्स A कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि क्लोपिटेक्स A कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। क्लोपिटेक्स A एक ब्रांड नेम है। क्लोपिटेक्स A कैप्सूल के अंदर खून पतला करने वाली दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। क्लोपिटेक्स A कैप्सूल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन क्लोपिडोग्रेल 75 mg और एस्पिरिन 75 mg होता है। क्लोपिटेक्स A कैप्सूल शरीर में खून को पतला करता है और शरीर की नसों में खून के क्लॉट बनने से रोकने में मदद करता है। क्लोपिटेक्स A कैप्सूल खून को पतला रखता है, जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का जोखिम कम हो जाता है। जिन व्यक्तियों को पहले कभी दिल का दौरा पड़ चुका है या लकवा लग चुका है, ऐसे व्यक्तियों में दिल का दौरा पड़ने का या लकवा लगने के जोखिम को कम करने के लिए भी डॉक्टर क्लोपिटेक्स A कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में क्लोपिटेक्स A कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में क्लोपिटेक्स A कैप्सूल की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नाक से खून आना, दस्त होना, बदहजमी होना, सीने में जलन होना, सिरदर्द होना और पेट में दर्द होना आदि साइड इफेक्ट्स क्लोपिटेक्स A कैप्सूल की वजह से हो सकते हैं। क्लोपिटेक्स A कैप्सूल खून को पतला करता है, जिसकी वजह से कोई चोट लगने के बाद अधिक खून बहने का जोखिम अधिक हो जाता है। अगर आप क्लोपिटेक्स A कैप्सूल को ले रहे हैं और अगर आपको ज्यादा चोट लग गई है तो आपको तुरंत ही नजदीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ताकि अधिक ब्लीडिंग होने के जोखिम को कम किया जा सके। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लोपिटेक्स A कैप्सूल को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। क्लोपिटेक्स A कैप्सूल को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर क्लोपिटेक्स A कैप्सूल को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। क्लोपिटेक्स A कैप्सूल को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना रेकमेंडेड होता है। क्लोपिटेक्स A कैप्सूल की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीर के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको क्लोपिटेक्स A कैप्सूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लोपिटेक्स A कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कोई सर्जरी होने वाली है या दांत निकलवाना है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर सर्जरी करने से या दांत निकालने से एक से लेकर दो सप्ताह पहले क्लोपिटेक्स A कैप्सूल को बंद करने की सलाह दे सकता है। इसलिए यदि आपकी सर्जरी होने वाली है या आपको दांत निकलवाना है, तो आपको क्लोपिटेक्स A कैप्सूल के बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। क्लोपिटेक्स A कैप्सूल के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लोपिटेक्स A कैप्सूल के साथ शराब का सेवन करने की वजह से पेट में ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। अस्थमा से पीड़ित व्यक्तियों को क्लोपिटेक्स A कैप्सूल को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है, क्योंकि क्लोपिटेक्स A कैप्सूल अस्थमा से पीड़ित व्यक्तियों को देने से अस्थमा के लक्षणों को ट्रिगर कर सकता है। शरीर में प्लेटलेट्स कम होने पर, पेट में अल्सर होने पर, पेट में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, हीमोफीलिया होने पर, ब्रेन हेमरेज होने पर और लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर क्लोपिटेक्स A कैप्सूल को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना क्लोपिटेक्स A कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। पेट में गैस और एसिडिटी को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दवाइयां जैसे इसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल और रैबिप्राजोल आदि दवाओं के साथ क्लोपिटेक्स A कैप्सूल को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। इसके अलावा दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां जैसे एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन और निमसुलाइड आदि दवाओं के साथ भी क्लोपिटेक्स A कैप्सूल को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि क्लोपिटेक्स A कैप्सूल प्रेग्नेंट महिलाओं को नुकसान पहुंचाता है
या नहीं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर क्लोपिटेक्स एक कैप्सूल को लेने की सलाह तभी देते हैं जब क्लोपिटेक्स एक कैप्सूल का देना बहुत ही जरूरी हो, और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए क्लोपिटेक्स एक कैप्सूल का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। स्तनपान करा रही महिलाओं में क्लोपिटेक्स एक कैप्सूल माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुँच सकता है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका क्लोपिटेक्स एक कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।